हाय दोस्तों, वेलकम आप लोग को मेरे चैनल पे। ये मार्केट निफ्टी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सुबह को मैंने आपको बैंक निफ्टी पर ऑलरेडी एक पोजीशन दे दिया था, तो अगर किसी ने भी वो पोजीशन पे बनाया होगा, आप ये वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये ऑलरेडी दे दिया था, सॉरी ये नहीं, ये वीडियो मैंने दिया हुआ था आपको, तो अगर कोई भी जाए तो ये देख सकते हैं। लाइव मार्केट में मैंने ये बना करके आपको दे दिया था, ये बैंक निफ्टी की पोजीशन के बारे में बता दिया था आपको। तो अगर कोई भी बनाए होंगे तो ऑलरेडी मैं सावधान कर दिया था आपको, वहाँ पे सावधान में नीचे आ रहा हूँ करके हेडिंग था। तो बैंक निफ्टी पर ऑलरेडी पोजीशन आप जाके अभी भी देख सकते हैं। और अब चलिए एक बार निफ्टी पर डिस्कस कर लें। निफ्टी भी उस समय आपको बता दिया था कि थोड़ा डाउन ट्रेंड ले सकते हैं, और वैसा ही उसने शो किया। निफ्टी आज 11 तारीख को 10,794 पे क्लोजिंग दिया है, 0.25% डाउन के साथ। यहाँ पे जो है देखेंगे, निफ्टी 50 में जो इंडेक्स है उसमें 16 एडवांसेस दिखाया है, 34 डिक्लाइन दिखाया है। एडवांसेस में अब जो अच्छा कर रहा है, सबसे अच्छा जो इंडेक्स मैनेजमेंट का जो सबसे अच्छा कर रहा है, YTC कर रहा है, और अब कभी आगे के दिनों में भी करते हुए आपको दिखाई देगा। UPL, विप्रो, IOC और हिंडाल्को ये आज गेनर में थे। जो लूजर में थे, इंडसलैंड बैंक, टाटा मोटर्स, इंफ्राटेल, TCS और यस बैंक। यस बैंक में बायबैक का न्यूज है, डिविडेंड का न्यूज आने वाला है इसका, रिजल्ट का। और यस बैंक तो आपको प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया इसमें नाम आने से पहले, आपको ये मैं पहले भी प्रीवियसली बताया हुआ है, आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। टाटा मोटर्स में भी जब 185 या 190 के पास इसमें रेसिस्टेंस है, वहाँ पे गया तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गया। तो आपको बोला था इतना हरी मत दिखाइए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज के आज ये भाग जाएगा। अच्छा स्क्रिप्ट बन चुका है, हो जाएगा अभी। अभी आपको 170 टू 190 के रेंज में टाटा मोटर्स आपको देखने को मिलेगा। इसका रेंज हो गया है 170 टू 190, इस रेंज में आपको टाटा मोटर्स ट्रेड करते हुए दिखेगा। ITC अभी हो सकता है 320 325 के लेवल को भी दिखाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं देखो FIDI ने क्या किया है, तो FIDI देखेंगे तो FI ने आज 687 करोड़ की बिकवाली की है, और DI ने 123 करोड़ की खरीदारी की है। FI आज भी बिकवाली करके गए, एक कंसर्न है और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, तो देखते हैं ये कब सुधरता है। अगर मैं निफ्टी के इंडेक्स की बात करूं तो सारे इंडेक्स रेड में बंद हुए हैं, चाहे निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, जितने भी इंडेक्स बंद हुए हैं। इंडिया बिक्स पॉजिटिव है, लेकिन 15 बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 0.5 पॉइंट से बढ़ा है। निफ्टी बैंक हो चाहे निफ्टी ऑटो हो, सब रेड में। खाली फाइनेंशियल सर्विस FMCG को छोड़ दें तो सभी सेक्टर ने अच्छी खासी बिकवाली दिखाई है। उसमें से निफ्टी ऑटो और PSU बैंक आज अच्छा खासा गिरावट दिखाया है। PSU बैंक में कर्नाटका बैंक अच्छा खासा रिजल्ट देने के बाद अच्छा खासा अप भी हुआ था, देखेंगे तो इंडियन बैंक 2% से, IDBI 0.35, यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक ये थोड़ा सा बढ़ गए थे। मीन्स एडवांसेस 4 थे, डिक्लाइन 8 थे। PSU बैंक में सबसे ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो दो ही एडवांस थे, 14 डिक्लाइन थे। एडवांस में MRF अमर राजा था, डिक्लाइन में टाटा मोटर्स, मारुति वापस मारुति 7,100 की ओर दिखाएगा, 7,200 दिखा चुका है, मैंने आपको बताया था यही रेंज में भी ये ट्रेवल करेगा। हो सकता है मारुति लंबा आपको 6,500 से लेकर के 8,000 के रेंज में ये लंबा टाइम निकाल दे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है 4, 5, 6 महीना निकाल दे, एटलीस्ट इलेक्शन तक तो ये टाइम निकाल ही सकता है। तो ठीक है, ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियस रहिए। आइसर मोटर एक रेंज में फंस गया है, ये 19,000 से 22,000 के रेंज में फंस चुका है, अब ये निकल नहीं रहा इससे। और दोनों साइड आप देखेंगे तो इसमें कॉल में पुट में राइटिंग हो रही है, दोनों साइड में हो रहा है। चाहे आप किसी भी लेवल पे आप ले लें, आपको गेन नहीं है, लॉस हो रहा है। किसी भी लेवल पे आप ले लें, चाहे पुट में ले लें चाहे कॉल में, दोनों तरफ राइटिंग बेचा जा रहा है आइसर मोटर में। इसमें देखेंगे दो एडवांसेस हैं और डिक्लाइन 14 है ऑटो सेक्टर में। अगर मैं
बैंक सेक्टर की बात करूं, टोटल ओवरऑल बैंक की बात करूं, तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सपोर्ट किया आज, अदरवाइज और बैंक में भी बहुत अच्छा खासा ऊपर नीचे हो रहा था। और बैंक एक समय तो जो लो 382 का बना दिया था, फिर वहां से लास्ट मोमेंट में रिकवरी लेके 500 क्रॉस कर दिया, और फिर लास्ट में ला करके क्लोजिंग कर दिया 27453 पे। तो अगर आज कोई स्टॉप लॉस के साथ खेल रहा होगा तो सारे के स्टॉप लॉस आज टिकट हुए होंगे। तो बैंक में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, और जो लूजर सबसे ज्यादा रहे, इंडसलैंड बैंक रहे, बैंक ऑफ बड़ौदा रहा, यस बैंक रहे, एसबीआई रहा, पीएनबी रहा। पीएनबी को मैं हर समय बोलता हूँ कि अब इसको आप 70 से के आपको मिलता है, 70 के रेंज में, 75 के रेंज में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें, ये आपको अच्छा खासा भाव यहाँ से डबल का भाव भी दिखा सकता है, 160 का, 170 का भाव दिखा सकता है। तो इसलिए पीएनबी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। पीएसयू बैंक अच्छा करेगा, उसमें पीएनबी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीन बैंक हैं जिसमें आप पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। मेरे कहने से कोई भी पोजीशन नहीं बनाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई पोजीशन बनाए, ये मेरा व्यू है अपना सिर्फ। निफ्टी आईटी में देखेंगे तो माइंडट्री, विप्रो, एनआईटी ये सब गेनर के रूप में थे, और टीसीएस, टाटा एल्क्सी, इन्फीबीम ये लूजर के रूप में रहे। टीसीएस को आप जितने भी फॉल पे मिले आप इसको अच्छे रूप में देखें, टीसीएस लोअर में मिलता है तो आप इसको बाय करें, ये कभी भी गेन दिखाएगा, इसमें कोई भी चीज खराबी नहीं है। टीसीएस को एक आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख करके इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आईटी में भी देखा तो एडवांस 6 थे और डिक्लाइन 4 थे, न्यूट्रल ही था। फाइनेंशियल सर्विसेज में देखें तो यहाँ पे देखेंगे एडवांस 8 थे, डिक्लाइन 12 थे, लेकिन जो आईसीआईसीआई पोटेंशियल और बजाज होल्डिंग्स, आईसीआईसीआई पोटेंशियल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न किया हुआ है, और आप कंटिन्यू आप देख रहे हैं इसकी अप ट्रेंड दिखा रहा है, और ये यहाँ से आपको 360, 365, 70 तक का भी भाव दिखा सकता है आपको आईसीआईसीआई पोटेंशियल। जो सबसे ज़्यादा लूजर में थे चोला फाइनेंस, एसबीआई, महिंद्रा महिंद्रा, एडलिविस, ये सब लूजर में थे। निफ्टी एफएमसीजी की बात करो तो जहां इमामी, आईटीसी और मैकडोवेल ये सब अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे थे, वहीं पे गोदरेज इंडस्ट्री, मेरिको, टाटा ग्लोबल, हिंदुस्तान लेबर प्रेशर में काम कर रहे थे। एडवांस 27 थे, 7 थे और डिक्लाइन 8 थे। तो इस तरह से सारे लगभग देखे तो आपको इंडेक्स भी निगेटिव था, सेक्टरल इंडेक्स भी इंडिसेस भी निगेटिव था। तो अभी आगे क्या करना चाहिए, सिंपल सा बात आपको बताऊं तो निफ्टी अभी रेंज बाउंड रहेगा, और निफ्टी जो नेक्स्ट आपको आपको देखने को मिलेगा वो आपको हो सकता है निफ्टी एक रेंज बाउंड 10800 से नीचे 10500 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मुझे ये देखिए इंडिसेसिव कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, निफ्टी ने जो बनाया है वो इंडिसिसिव कैंडल बनाया है यहाँ के बाद, तो ये शो कर रहा है कि मैं किसी और भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी आ सकता हूँ, मिड में आ जाके खड़ा हो गया है। इसको डोजी कैंडल भी लोग बोलते हैं, तो इंडिसिसिव कैंडल बना हुआ है यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, ये किसी भी साइड में जाने को बोलता है, मैं जा सकता हूँ। तो किसी भी तरह से नीचे में मुझे नहीं लग रहा है कि ये 10500 से नीचे जाएगा, और ऊपर की ओर अगर ये निकलता है तो आप अगर ये 10825 किसी भी हालत पे क्रॉस करता है तो फिर ये ऊपर की ओर जा सकता है। तो आज की जो क्लोजिंग था ये 10794 था, और मैं आपको 10850, सॉरी 10850 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको नेक्स्ट वीक के लिए नीचे की ओर पोजीशन देख सकते हैं। 10850 का आप स्टॉप लॉस रखें, और ये हो सकता है नीचे आपको 10430 तक का लेवल भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। अल्टीमेटली इसको जो क्लोजिंग देगा ये 10600, 10650, 10650 की वीकली क्लोजिंग देगा। ना तो इसको ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है, इस रेंज में इसको पूरा 4 महीना भी निकालना है। आपको बता दिया नीचे 10,000, ऊपर ऊपर 11,000, इस रेंज में इसको निकालना है। ना तो 10,000 ब्रेक होने वाला है और ना तो 11,200 ब्रेक होने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो कल क्या होगा, मंडे को क्या होगा,
एक बार इंडिसेस देख ले तो डॉ जोन्स वगैरह थोड़ा निगेटिव में दिखा रहा है, इसके निगेटिव पॉजिटिव सब उतना इंडिया को इसलिए असर नहीं पड़ रहा है इंडियन इंडेक्स को, ये अपने अलग डिसीजन में जा रहा है और दिशा में जा रहा है। ये गिर रहा है, जब ये गिर रहा था तो मार्केट गिरा नहीं, अब ये उठेगा तो मार्केट उठेगा नहीं। एक बार कॉमोडिटी में देख लें तो कॉमोडिटी में देखेंगे आप ब्रेंट क्रूड जो है 60 रुपये पे चल रहा है, फॉरेक्स देख लें तो 70 रुपये पे चल रहा है, 70.46 डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। एक बार एसजीएक्स निफ्टी देख लें तो 10,820 पे चल रहा है। दस 820 पे चल रहा है, 40 पॉइंट नीचे होकर दिखा रहा है। तो आगे जो नेक्स्ट वीक रहेगा, नेक्स्ट वीक का क्या पैटर्न रहेगा, तो अगर मैं डेरिवेटिव पे जाके देखूं, इसको मैं इक्विटी डेरिवेटिव 10794 पे जो क्लोजिंग दिया 11 तारीख को 31 जनवरी का, तो एट द मनी क्या हुआ इसका, 10794 का 800 ले लीजिए, 10800 पे ले लीजिए या 10750 ले लीजिए, 10800 पे ले लेते हैं। 10800 पे क्या हो रहा है कि आप देखिएगा तो यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रहा है, कॉल एडिशन हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, जबकि 10800 पे यहाँ पे देखेंगे तो 1,29,000 का एडिशन हो रहा, प्राइस गिर रहा है, शॉर्टिंग हो रहा है, शॉर्ट किया जा रहा है, इसको सेल किया जा रहा है, यहाँ बाई किया जा रहा है, इधर सेल किया जा रहा है। सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, जो अभी तक आप देख रहे थे 10,11,000 पे, 11,000 से 10,900 10,800 पे, जिसको लेके मैंने बोला था ये ऊपर की पोजीशन बनाता, अनवाइंडिंग हो रहा है, 10,900 पे अनवाइंडिंग हो गया 1,79,000 का, और 11,000 पे भी 2,16,000 का अनवाइंडिंग हो रहा है, 10,600 पे भी हो रहा है, 10,500 पे भी हो रहा है, और 10,400 पे जाके एडिशन हो रहा है। मैं सब 10,500 तक पुट में अनवाइंडिंग चालू हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, 11,200 पे, 11,100 पे, 11,000 पे, 10,900 पे, 10,700 पे, 10,600 पे, 10,500 पे, हर लेवल पे अब पुट की अनवाइंडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि अब लोगों का ये बिलीव है मार्केट जो अभी कॉल को शॉर्ट कर रहे थे अब नहीं कर रहेंगे, कॉल को शॉर्ट करेंगे, पुट को जो शॉर्ट कर रहे थे नहीं करेंगे, मार्केट अब ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर आएगा। तो अपनी अपनी पोजिशन को कवर करके जिसने भी शॉर्ट किया था वो भाग रहे हैं, अपनी पोजिशन को अनवाइंड कर रहे, भाग रहे मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो भी शॉर्ट पहले किया था उसको बुक कर रहे हैं। उसी इसके इस तरफ देखेंगे तो नई शॉर्टिंग चालू कर दिया इन्होंने, 11,000 पे 6 लाख का, 3 लाख मतलब 11,000 तो पहुंचने का इनको दिखता है कि अब चांस ही नहीं है 11,000 पहुंचेगा, 10,900 पे 3,35,000, 10,800 पे 1,29,000, ये देखिए वीकली व्यू होता है। तो अब इनको लग रहा है एक भी मुझे ऐसा बिलीव हो रहा है कि एक वीक के लिए इनका जो व्यू है अब जो चेंज हुआ है कि हो सकता है एक वीक के लिए ये 10,400 10,500 पे सपोर्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए कॉल में हर लेवल पे शॉर्टिंग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक इसके बाद जब आएगा तो उल्टा आपको दिखने मिलेगा, इधर शॉर्टिंग मिलेगा इधर अनवाइंडिंग मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक जो इनका व्यूजन है, जो व्यू लग रहा है वो ऐसा है कि 10,400 पे सपोर्ट देख रहे हैं ये और नीचे ऊपर की ओर सब जगह शॉर्ट कर रहे हैं। तो अभी 10,800 पे भी देखिए आप सपोर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, मैं सब 10,800 पे भी अब इनको रेसिस्टेंस होने वाला है 1,29,000, और 10,900 पे 3,35,000 और 30 लाख, मतलब 10,900 इतना इजी क्रॉस नहीं करेगा। तो जो वीक आपको मैंने चार्ट पे बोला था वीक, ये जो इंडिसिसिव कैंडल बना है इसका क्या होगा, आप देखिए जो इंडिसिसिव ये कैंडल जो बना है ये, इससे क्या होगा, तो इसका किस साइड में लेके जाएगा, तो अब ये जो लेके जाएगा इससे अब दिख रहा है कि अब जो ये लेके जाएगा ये नीचे, आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है, तो इससे ये दिख रहा है कि ये अब जो डिसीजन है नीचे की ओर थोड़ा ज्यादा है। स्टिक देखेंगे जो है ऊपर की ओर ज्यादा स्टिक दिख रहा है, नीचे की ओर कम स्टिक दिख रहा है, इससे भी पता चल रहा है कि नीचे की ओर ज्यादा टेंडेंसी है, टेम्परामेंट है रेदर देन ऊपर की ओर। स्टिक ऊपर ज्यादा है तो लोगों को ऊपर से ज्यादा प्रेशर नीचे की ओर, नीचे कंपेरिजन टू ऊपर और नीचे की स्टिक में देखेंगे तो नीचे का कम स्टिक पोर्शन दिखेगा, ऊपर ज्यादा स्टिक दिखेगा आपको,
परसेंटेज देखना है तो स्टिक आप देखिए, तो ये 10875 दिख रहा है और यहाँ पे 10 साल मिडिल देखेंगे 10794-97 दिख रहा है। तो ऊपर की ओर जो देखेंगे 10800 यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए ऊपर हाई 10870 है और जो मिड है वो है 10802। तो आपको ऊपर की ओर 70 पॉइंट मिला, नीचे की ओर जब देखेंगे लो जो देखेंगे वो 10740 है और ये अगर ये देखें 10800 तो यहाँ पे 10800 देखेंगे तो 60 पॉइंट यहाँ पे नीचे से है, ऊपर से 70 पॉइंट टूटा है, नीचे से 60 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट कंपेरेटिव ऊपर ज्यादा है। तो इससे यही पता चल रहा है कि इसका जो टेंडेंसी है और जो डेरिवेटिव सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों जो सपोर्ट कर रहा है वो नीचे की ओर सपोर्ट कर रहा है। और जो आपको यहाँ पे बताया वीकली लेवल पे, ये हर लेवल पे जो सपोर्ट मिलेगा इसको, तो पहले ये धीरे धीरे करके ये नीचे की ओर जाएगा और ये जो यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा आपको वीकली बेसिस पे, आप इसको वीकली बेसिस पे देखेंगे तो पहले 10700 अभी 94 पे चल रहा है, तो पहले 10750 पे दिखाएगा, फिर 10700 पे लेके जाएगा और फिर 10663 के आसपास लेके जाएगा, फिर नीचे 10650। तो 9 दिन यहाँ पे 9 दिन का जो वीकली डेमा है एक 10750 है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसको तोड़ता है तो वो फिर वो वहाँ से आपको फिर 21 दिन का डेमा 10771 है, नीचे की ओर 10663। तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि 10400 तक ये आराम से जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि इक्विटी डेरिवेटिव से भी दिख रहा है कि 10400 पे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो निफ्टी में 10400 का सपोर्ट, तो अगर कि कोई भी एट द मनी 10800 पे 10750 का पुट का जो रेट चल रहा है, आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है इसका 117 रुपये है। तो अगर पुट की और कोई पोजीशन पेपर ट्रेडिंग करते हैं, 10750 का पुट लेते हैं, 10850 अगर क्रॉस करता है तो आपको पुट का पोजीशन एक्सपायर कर देना है, फिर वो अप ट्रेंड मिलेगा। इसलिए आपको बताया जो वहाँ पे आपको वहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है। और जो मैंने रेंज बताया आपको कि वो जो रेंज है 10500 से 10800 का रेंज, 830 10500 से 10830 ये रेंज में आपको पूरी वीकली एक्सपायर कर सकता है यहाँ पे। तो कोई भी चाहे, चाहे आप डेरिवेटिव पे बनाए पोजीशन, चाहे जहाँ बनाना, चाहे एट द मनी 10750 जो कि 117 रुपये का दिखा रहा है, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, आपको देखने को फायदा मिलता है। लेकिन कोई ये सारे एजुकेशनल पर्पज से और पेपर ट्रेडिंग के लिए, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई भी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में इंट्राडे करता हो, ट्रेडिंग करता हो, आपको नहीं भी पसंद हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ये शायद उनके लिए फायदेमंद हो जाए। तो आप वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना नहीं भूलें। जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे अब खुशी होगी और हम आपके सामने उतने अच्छे अच्छे चीज़ ला करके आपको देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।